क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना सीएम नीतीश कुमार ने बताया। कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अधिक पद चाहती है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान का तबादला मेघालय के लिए किया गया है। पटना में पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। पुलिस कर्मियों से मसाज कराते दिखे पटना के एएसपी। पटना में नवविवाहिता फांसी के फंदे पर लटकी मिली युवती का पति शादी के बाद से ही उसके चरित्र पर शक किया करता था। भागलपुर में बीपीएसएससी और मैट्रिक की परीक्षा को लेकर हुई बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां के लौरिया प्रखंड के साठी पंचायत में वार्ड नंबर 3 में आंगनबाड़ी सेविका का चुनाव हुआ, जिसमें सेविका पद के लिए नुजहत परवीन को चयन पत्र दिया गया। साथ ही वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आम सभा का भी आयोजन किया गया। चुनाव को लेकर प्रवेक्षिका ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविका पद के लिए 10 अभ्यर्थी आवेदन दिए थे, जिसमें पहले स्थान पर नुजहत परवीन, दूसरे स्थान पर शमा परवीन और तीसरे स्थान पर साम्बेया प्रवीण थी। हम सबसे नंबर अव्वल में थे, हमारा 78% का सेविका है, सेविका पद पर हमारा चयन हुआ है, जिसमें हर चीज हमारा कागज सही साबित किया गया, इसी पे मैडम हम लोग को चयन दे दी गई। कितने आवेदन पड़ा था? 10 आवेदन। 10 आवेदन में आपको चयन किया? जी, सबसे ज्यादा हमारा ही नंबर था, परसेंटेज। क्या नाम हुआ आपका? मुजहत परवीन। किस नंबर वार्ड में? 3 नंबर वार्ड में। कौन से गाँव? परसौनी, साठी परसौनी। भागलपुर में होने वाली बीपीएससी और मैट्रिक की परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने समीक्षा भवन में सभी केंद्र अधीक्षक और परीक्षा ड्यूटी में तैनात किए गए मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की। वहीं आयोग में जारी गाइडलाइन के अनुसार ही परीक्षा संचालित करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान सभी केंद्र अधीक्षकों को बताया कि कहीं से कोई कर्मचारी या परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं ले जाएंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल या किसी तरह का गैजेट लेकर परीक्षा केंद्र पर पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो है, जो आयोग का डायरेक्शन है, गाइडलाइन है, उसके अनुरूप परीक्षा जी। बीपीएससी में कितने केंद्र बनाए गए हैं सर? वो आप डिटेल ले लीजिएगा, संख्या छात्रों की, केंद्र का नाम के साथ जो है वो हम लोग। भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर पहुंचे और प्रशासनिक भवन, नवनिर्मित अतिथि गृह, खेल भवन और ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। साथ ही जगदीशपुर खीरी बांध का भ्रमण करते हुए समीक्षा भवन में सांसद, विधायक और अधिकारियों के साथ बैठक की।
भागलपुर में एक दुकानदार का मादक पदार्थ बेचते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो अंतीचक थाना के चांदी चौक के एक दुकानदार का बताया जा रहा है, जिसमें दुकानदार का दामाद और उनकी बेटी खुलेआम गांजा बेचते नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि कहीं इस तरह की घटना पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी पुलिस के कार्यशैली पर फिर एक बार सवालिया निशान खड़ा होने लगा है, जिसमें एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर 5 साल तक यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई है। आवेदन देने के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। इतना ही नहीं, जब इस मामले में पुलिस अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने भी इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस तरह के मामले में वो कुछ नहीं बोलेंगे। पूरा मामला चकिया थाना क्षेत्र का है। मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, और मैं 9th क्लास में पढ़ती थी तो सोनू कुमार जो है कुआं गांव के रहने वाले, उनका पिता के नाम है राम पारस प्रसाद, और मैं जब 9th क्लास में पढ़ती थी तो वो मेरा पीछा करता था। उसके बाद मैं पीछा करते करते बोला कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं। इसी दौरान हम लोग बात बनी और इसी दौरान हम लोग बातचीत किए, और बातचीत करते करते हम 5 साल तक रिलेशनशिप। बिहार के थाना क्षेत्र इलाके में कई स्वास्थ्य कर्मचारियों की तबियत बिगड़ गई। बताया गया कि सभी ने एक साथ खाना खाया था। खाना खाने की कुछ ही मिनटों बाद सभी के पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत शुरू होने लगी। देखते ही देखते 6 ANM की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को आनन फानन में बिहार शरीफ अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि चिकित्सीय इलाज के बाद सभी ANM पूरी तरह से सुरक्षित है। सदर अस्पताल में अचानक अफरा तफरी का माहौल मच गया था। नहीं, टोटल कितने लोग अभी भर्ती हैं हॉस्पिटल? 6 लोग। 6 लोगों में क्या शिकायत थी? सेम है। हाँ। तो मैंने खाने में कुछ क्या खाया था आपने? आलू और पालक की सब्जी रोटी। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ आप रह रही हैं, क्या वहाँ पे खाने में गुणवत्ता है? उतना भी नहीं। मतलब शिकायत होगा ना, आप ट्रीटमेंट कर रही हैं तो कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है, सब ठीक है। मतलब क्या हुआ, क्या था इन लोग को? पेट में दर्द हुआ था, मैं कुछ हुआ था, क्या शिकायत हुई थी? इसका उल्टी पैखाना हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है। तो क्या वजह, क्या मान रही हैं आप? ऐसे तो हम लोग ट्रीटमेंट कर दिए, अब तो ठीक ठाक है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा का आयोजन जिले के 28 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इनमें से बिहार शरीफ में 20 परीक्षा केंद्र, राजगीर में 5 परीक्षा केंद्र और हिलसा में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए। बता दें, इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 19,704 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के स्वच्छ वातावरण में आयोजन को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर 2-2 पदाधिकारी को स्टैटिक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। अच्छा, हर बार जो परस्पर लीक होता है, क्या उसका डर नहीं है? क्योंकि हमेशा जो है परीक्षा में साइलेंट पेपर लीक हो जाता है, जिसके कारण बच्चों के अंदर या जो भी अभ्यर्थी हमारे कैंडिडेट है उनको हमेशा इस तरह का डर सताते रहता है कि आखिर एग्जाम सही तरह से हो पाएगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जिससे मोबाइल में वायरल हो गया या नहीं। क्या नाम होगा? नालंदा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने कई तरह की झलकियां पेश की है, जिसका शुभारंभ ऑल इंडियन सीनियर वर्कर्स एसोसिएशन के राज्य प्रभारी पत्रकार धर्म प्रकाश रुद्र ने हरी झंडी दिखाकर किया। बता दें कि शिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर कलश शोभा यात्रा और झांकियां निकाली गई है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in,
skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हैं खबर की ओर। नालंदा में पूर्व विधायक सह सहकारिता के नेता स्वर्गीय अयोध्या बाबू की 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता जदयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि स्वर्गीय अयोध्या बाबू ने सहकारिता के क्षेत्र में जो कार्य किया है वो आज भी हम लोगों के लिए आत्मसात करने के योग है। जिला के तमाम क्षेत्रों के विकास कार्यों को और तेजी से काम करेंगे। हम सब जात पात से ऊपर उठकर लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। हम लोग आगे लेकर काम करते हैं और सहकारिता का उद्देश्य है एक दूसरे का सहयोग, कोऑपरेशन। यही मतलब है, कोऑपरेटिव का मतलब ही होता है कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग। और एक दूसरे का जब सहयोग होता है तो एक खुशनुमा माहौल बनता है और खुशनुमा माहौल में अच्छी अच्छी बातें आती है, दिमाग में भी अच्छी बातें आती हैं, जेहन में भी अच्छी सोच उत्पन्न होती है। नवादा में नगर थाना के गढ़पर मोहल्ला में रहने वाले दो भाइयों के बीच किसी विवाद पर मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मकान में रूम के बंटवारे के लिए चाचा और भतीजे में विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद भतीजे ने अपने चाचा के शरीर के पीछे पीठ में चाकू मार दिया, जिससे वो घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ दोनों का इलाज हो रहा है। आवाज देखो, मार फार कर दिया। कौन? वही गजकन चौधरी। नारा दियो। कारण क्या था? कारण क्या? कारण वही निकास के चलते। माने कौन लगता है ये? हाँ, जमीन हमको हिस्सा नहीं दे रहा है, हमको छोड़ कर जमीन कम का मामला जमीन ये करना है। जी सर। कहाँ का मामला? सनगंज बर्मा का मामला। क्या नाम हुआ आपका? बसंत चौधरी। लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेंद्र कुमार मुन्ना भी उपस्थित रहे। साथ ही धीरेंद्र कुमार मुन्ना ने प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की कमेटी गठन करने की जानकारी भी दी है। तो वहीं बैठक में नवादा जिला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है और नवादा नगर जिलाध्यक्ष राहुल कुमार को बनाया गया। सभी अधिकारीगण और सामने उपस्थित संगठन के सभी कार्यकर्ता, बड़ी खुशी की बात है। हमारे मन में भी विचार चल रही थी, लोगों से सलाह लिया जा रहा था। हमारे मन में विचार यह था कि अपने 150, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आपके साथ शामिल हूं। हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा आर रामविलास जी, जिनका नेतृत्व चिराग जी कर रहे हैं, मैं दिल से उनके साथ जुड़ा हूं। आज पार्टी से मैं एक तरह से पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। खबर सुपौल जिला के पंचायत की है, जहां चिलौनी दक्षिण वार्ड में 3 किसानों के सिंचाई के लिए चैनल बना रहे थे, जो लगभग 1000 फीट के आसपास का है, लेकिन काम में काफी कमी देखने को मिल रही है। तो वहीं किसानों का कहना है कि जिस माइनर से चैनल खींचा जा रहा है उसमें कभी पानी नहीं जाएगा, क्योंकि चैनल ऊंचा और माइनर गहरा है, जिसके चलते किसान को पानी मिलेगा ही नहीं। और
चौड़ाई कितना का है? चौड़ाई 3 फीट। 3 फीट और कितना सौ फीट लंबा, कितना सौ फीट है ये? लंबा तो अभी लगभग 400 कुछ है। 400 फीट है। अच्छा सरिया क्या इंची पे दे रहे हैं? 7 इंची पे। 7 इंची है ये जो है सामने। वो तो मुखिया को होना चाहिए ना, बोर्ड बनाना बना करके ही योजना चलना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो माइनर से जो चैनल निकलती है, ये चैनल जो है मुख्य रूप से ऊंचा, मतलब ऊंचा है, तो माइनर का पानी चैनल में किस तरह क्रॉस करेगा सो बताइए। बिना टेके हुए या बांधे हुए नहीं जाएगा पानी। तो ये काम गलत हो रहा है या सही हो रहा है? ये तो मुखिया ने जानेगा गलत हो रहा है सही हो रहा है। आप लोग किसान है और यहाँ के किसान के माध्यम से मान लीजिए पानी नहीं पहुँच पाएगा खेत में। कौन करवा रहे हैं? मुखिया जी करवा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे जो काम जो हो रहा है, इसमें करवाया जा रहा है, इसमें बोर्ड नहीं लगा हुआ है। आप लोग को जो, आप लोग तो किसान है ना जी, तो इसमें क्या लगता है कि ये जो पानी जो है माइनर से जो पानी निकलेगी चैनल में, तो ये पानी चल जाएगी इसमें? नहीं जा पाएगी। तो ये बनाने से क्या फायदा आपको? आप लोग को सिंचाई तब तो नहीं कर पाएंगे। खबर वैशाली के चांदपुर से है, जहां पैसे के विवाद को लेकर ससुराल के लोगों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। पूरी घटना चांदपुरा ओपी क्षेत्र के चांदपुरा चांद गांव की है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर निर्माण कराने को लेकर मिले रुपए के विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक के ही रिश्तेदारों ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद युवक के परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कुछ तारी पिए, दारू पिए, जे पिया, तीनों मिलके पिया। सारुए वाला तो बात था, तीनों मिलके पिया। और तेकरा बाद इसका सारू कै बजे गया कै बजे नहीं घर से कोई मालूम नहीं चला। ठीक सुबह हम उठते हैं, तो उठते हैं सुबह तो हमको दूसरा आदमी उठाया कि भाई के तुम्हारा फांसी लगा लिया से चलो। तो हम ऊपर ये नीचे रह रहा था, मैं ऊपर रह रहा हूँ, दो तगला मकान था। तो एक एक नीचे में छोटा भाई रह रहा था, ऊपर में हम रह रहे थे। और जैसे देखिए इतना पर सर कील ठोका हुआ है, ये छोटा वाला कील। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में हाईकोर्ट पटना के इंस्पेक्टिंग जज ने डेहरी सिविल कोर्ट के मल्टी स्टोर आवास का उद्घाटन किया। ये आवासीय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग G+3 का है, जिसमें एक ब्लॉक न्यायाधीशों के लिए, एक ब्लॉक क्लास और 3 कर्मचारियों के लिए और 2 ब्लॉक क्लास 4 कर्मचारियों के लिए है। क्वार्टर का लोकेशन नगर परिषद क्षेत्र में होने के बावजूद किनारे भी है। इसकी लागत 10,60,00,000 रुपए है। Financial year. Now Rohtas has also achieved 100+. So we should appreciate the efforts taken by all the judicial officers, and for that we should be thankful to each and every one of you. And I hope that the case clearance ratio is maintained at a level of 100+. आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।